ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा मुंबई की साधारण सभा में आगामी कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से मदन लाल तातेड़ को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तेरापंथ भवन कांदीवली में साध्वी निर्वाण श्री एवं साध्वी वृंद के सानिध्य में साधारण सभा की शुरुआत मंत्रोच्चार से हुई और कोषाध्यक्ष योगेश चौधरी ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मंत्री विजय पटवारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अध्यक्ष नरेंद्र तातेड़ ने अपने कार्यकाल के लिए कार्यों का विवरण रखा और सहयोग करने वालों का नामोल्लेख भी किया। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल वाफना, किशन डागालिया, अशोक तातेड़, दिनेश सुतारिया, ख्याईलाल तातेड़, रमेश सुतारिया, चंद्रप्रकाश डांगे, भंवरलाल कर्णावट, विनोद बोहरा, भूपेश कोठारी, बीसी भालावत, सुरेंद्र कोठारी, केएल परमार, रचना हिरन, कैलाश वाफना, नवरत्न गन्ना आदि ने विचार रखे। चुनाव अधिकारी कमलेश बोहरा और बाबूलाल समदरिया ने कहा कि चार फॉर्म आए थे जिसमें सुरेंद्र कोठारी, प्यार चंद मेहता और राजेश चौधरी ने अपने नाम वापस ले लिए थे। ऐसे में सर्वसम्मति से मदन लाल तातेड़ को मुंबई सभा का आगामी कार्यकाल के अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रस्तुत है प्रातःकाल लाइव संवाददाता महावीर बडाला की रिपोर्ट। संघ की एक सर्वोच्च संस्था है मुंबई की, इस सभा का अध्यक्ष होना बड़े गर्व की बात है। पिछले कई दशकों से यह सभा मुंबई में अनेक गतिविधियों का संचालन करती आ रही है। इसमें मुख्य गतिविधियां मुंबई में गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए सभी सिंगारों के रास्ते की सेवा, मुंबई में प्रवासी सभी चारित्रात्मकों की चिकित्सा सेवा, इसी क्रम में ज्ञानशाला का संचालन, उनकी संचालन की आर्थिक जिम्मेदारी का, गत वर्षों में जो स्कॉलरशिप शिक्षा विद्यार्थियों के लिए कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मदद करना, केंद्र के द्वारा निर्देशित जो भी कार्यक्रम धर्म संघ की प्रभावना के लिए दिए जाता के लिए अनेक पूर्व अध्यक्षों ने श्री भाई श्री नरेंद्र जी तातेड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी बाफना, नवर्धन जी गन्ना, विनोद जी बोहरा, श्री भानु कुमार जी नाटा तथा मंत्री श्री विजय जी पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री योगेश जी चौधरी एवं उसकी पूरी टीम जिम्मेदारी से सेवाएं दी है वो बहुत सराहनीय है। और अपने दायित्व को अच्छे ढंग से श्री नरेंद्र जी ये नेतृत्व में, जो स्वयं बहुत शर्मना तपस्वी हैं, अच्छे संघायक भी हैं, उनके नेतृत्व में कुछ विशेष कार्य हुए हैं उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।